अमेरिका डे 4 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी मौके पर दुनिया को अपने देश की सैन्य ताकत दिखाना चाहते हैं। अमेरिका इस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय पेंटागन से कहा है कि गुरुवार को राजधानी वाशिंगटन में सलामी परेड में सेना के टैंक प्रदर्शित किए जाएं। देश की हवाई ताकत दिखाने के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने आतिशबाजी करने के लिए भी कहा है। ट्रंप ने सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के प्रमुखों से आग्रह किया है कि वे भी इस खास मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा, यह अमेरिका डे बेहद खास होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे। प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास कुछ नए अविश्वसनीय सैन्य उपकरण हैं और हमें उन पर नाज है। परेड में नवीनतम अब्राम और शरमन टैंक प्रदर्शित किए जाने की उम्मीद है। M1 अब्राम टैंक का इस्तेमाल खाड़ी युद्ध के दौरान हुआ था। अमरीकी सेना इस टैंक का अब भी उपयोग कर रही है। M4 शरमन टैंक का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध और कोरियाई युद्ध के दौरान किया गया था। ट्रंप गुरुवार शाम लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर खड़े होकर भाषण भी देंगे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे जो स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होगा। पेंटागन के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन यह बात जरूर कही कि राष्ट्रपति के टैंक प्रदर्शित करने के आग्रह को इतने कम समय में कैसे पूरा किया जाएगा। समारोह के लिए महज 2 दिन बचे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 60 टन से ज्यादा वजन वाले टैंक किस तरह कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाए जाएंगे। टैंकों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की भी जरूरत पड़ेगी। इस समय कई सैनिक छुट्टियों पर अपने घर चले गए हैं। ट्रंप के विभाग में सैन्य परेड का ख्याल वर्ष 2017 में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्टिल डे में शामिल होने के वक्त आया था। इस मौके पर फ्रांस अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करता है। तब ट्रंप ने कहा था, हम भी 4 जुलाई को वाशिंगटन के पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू में ऐसा ही कुछ करेंगे। इसके बाद उन्होंने सैन्य परेड की वकालत की थी, लेकिन अधिकारियों के विरोध और परेड पर $9 करोड़ के खर्च आने के चलते उन्होंने इस ख्याल को छोड़ दिया था। अमेरिका में सैन्य परेड खाड़ी युद्ध समाप्त होने के बाद हुई थी। इसका आयोजन जून 1991 में राजधानी वाशिंगटन DC में किया गया था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।